आप सब उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आज मैं हाइलुरोन एक्सपर्ट का रिव्यू कर रही हूँ। ये लॉरियल का बना हुआ है और इसकी प्राइस है, ये मैंने मार्केट से 2000 रुपीज़ में लिया है। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, आज की वीडियो में मैं ये सब बताऊंगी। इस पर लिखा हुआ है SPF 20, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। ये एक्शन ब्लॉक भी है, यानी आप इसको फेस पर लगाकर आप बाहर धूप में निकलें तो धूप की शिद्दत से आपके चेहरे की रंगत काली नहीं होगी, यानी धूप की जो तपिश है उससे आपका चेहरा महफूज रहेगा। और एक्शन ब्लॉक के तौर पर भी ये काम करता है। इसके अलावा इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी मौजूद है, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। हाइलुरोनिक एसिड जो है, ये इसका ये फ़ायदा है कि ये स्किन को स्मूथ करता है, सॉफ्ट बनाता है और स्किन पर से फाइन लाइंस कम कर देता है। इसके अलावा ये रिप्लम्पिंग का काम करता है, मॉइस्चराइजिंग केयर करता है, यानी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। स्मूथ फाइन लाइंस, यानी आपकी फेस पर अगर फाइन लाइंस है तो उसको कम करने में ये अहम किरदार अदा करता है। हाइड्रेट करता है ये स्किन को। और इसमें मौजूद हाइलुरोनिक एसिड ये इसमें इसलिए शामिल की गई है कि बढ़ती उम्र के साथ और जब हमारी एज ज़्यादा होती जाती है तो हमारी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड की मकदार कम होती जाती है, इसलिए इस क्रीम में हाइलुरोनिक एसिड की मकदार शामिल की गई है। इसका फ़ायदा यह है कि ये ना सिर्फ स्किन को, जो हमारी फेस स्किन होती है उसको एक बेबी लुक देता है और स्किन को मॉइस्चराइज़र भी करता है। ये क्रीम एक अच्छी मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी काम करता है। अगर आप विंटर में इसको यूज़ करें तो आपकी स्किन के लिए ये एक अच्छा मॉइस्चराइज़र क्रीम है। स्किन को मॉइस्चराइज़र करता है, सॉफ्ट बनाता है और स्मूथ बनाता है। और इसमें मौजूद हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन पे मौजूद फाइन लाइंस को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊं कि कौन सी एज वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखें स्क्रीन पे वाजे नज़र आ रहा है एज 25-35, फिर है 45-55-65-75। तो इसमें ये जो कौन सी एज वाली ख़वातीन के लिए बेस्ट क्रीम है, तो एज 25-35 कि जो ख़वातीन है वो इसको यूज़ कर सकती हैं। जिनकी एज 25-35 है तो इस क्रीम से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा 25 से जो जिनकी एज कम है, जो टीन एज में है, तो वो इस क्रीम को कभी यूज़ ना करें, क्योंकि ये उनकी स्किन के लिए बनाई गई नहीं है, बल्कि एज 25-35 स्किन वाली ख़वातीन इसको यूज़ कर सकती हैं, तो वो इस क्रीम से बहुत सारे फ़ायदे हासिल करेंगी और उनकी स्किन को बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये नॉन ग्रीसी है, यानी ज़्यादा ग्रीसी नहीं है। अगर आप इसको स्किन पे लगाएं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लगाने में बहुत सॉफ्ट लगता है। और इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए हैं। सन ब्लॉक के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारे इसके फ़ायदे हैं। और अब मैं आपको क्रीम ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह है ये क्रीम। आप ये देख लें, ये क्रीम आप देख लें, कलर इसकी ऑफ वाइट लग रही है, बिल्कुल वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है और काफ़ी सॉफ्ट है। और अगर स्किन पर आप इसको लगा कर देखें तो ये बहुत अच्छी सॉफ्ट क्रीम लगती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। अच्छा, ये मैं भी बता दूं आपको कि इसको समर में आप यूज़ मत करें, समर के लिए ये क्रीम बेस्ट नहीं है। आप इसको विंटर में यूज़ करें तो आप इसको 90% इससे आप फ़ायदा लेंगी, ये आपकी स्किन के लिए बेस्ट होगा। इसको आप इस क्रीम को आप सर्दी में यूज़ करें तो आपकी स्किन को ना सिर्फ मॉइस्चराइज करेगा, स्किन सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी
और सन ब्लॉक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। धूप में निकलेंगे तो ये क्रीम की मौजूदगी से आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा, स्किन डैमेज नहीं होगी, स्किन आपकी उसी तरह वाइट ग्लोइंग होगी। और ये भी है कि इसमें मौजूद हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को बेबी लुक देता है। प्राइस इसकी ज़्यादा है, लेकिन आप इसके बेनिफिट्स को देखें तो इसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा है। इसकी पैकिंग भी खूबसूरत है, शानदार है, और यह आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। प्राइस इसकी इसलिए भी ज़्यादा है कि लोरियल की जो कॉस्मेटिक्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, बेस्ट होती हैं और अच्छा रिजल्ट देती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट पे बता दें कि आप ये क्रीम यूज़ कर रही हैं या नहीं। अगर यूज़ कर रही हैं तो कौन सा फ़ायदा इससे मिला है और स्किन में क्या चेंजेस आई हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ।